हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टुडे वी स्टार्ट ए कंप्लीट कोर्स फॉर क्लास इलेवेंथ इन विच वी कवर ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री सो यह कोर्स हमारा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे इसमें हमारे एक से दो लेक्चर बेसिक के होंगे यह कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया है सो so, आज हमारा जो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट जो कि हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम ये बुक रेफ़र कर रहे हैं आपको ये प्रदीप पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की बुक्स है सो ये बहुत ही अच्छी बुक है आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं इंडिया की नंबर वन बुक है ये और सुपर से भी ऊपर कंटेंट जो इसमें दिया गया है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो बेसिक शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि साइंस का ओरिजिन क्यों और कैसे हुआ सो so, साइंस के ओरिजिन के बिहाइंड द रीज़न इज़ दैट साइंस इज़ कंसीडर्ड एज द कंटीन्यूस ह्यूमन इफोर्ट्स टू सिस्टमाइज नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द नेचर दैट मींस हमारे द्वारा प्रकृति के नियम को समझने के लिए उसके बिहेवियर को जानने के लिए जो हमने स्टडी की शुरुआत की दैट इज़ कॉल्ड साइंस साइंस में हम नेचर के लॉज मेनली साइंस जो है दैट्स डिवाइडेड इनटू साइंस जो है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज़ यू ऑल नॉन वेल दैट इज़ फर्स्ट पार्ट इज़ फिजिक्स एंड सेकंड वन इज़ केमिस्ट्री And uh, the third one is bio. So these three are the main branch of the science, which we are discussed at the plus two level. So mainly, this lecture we mm -hmm. will chemistry chemistry discuss chemistry. So now we can understand the definition of chemistry, and then we uh, discuss the importance of studying chemistry, and then we study classification of matters. एंड दिस इज़ द सैकड़ यूनिट जो जहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल क्वान्टिटीज़ एंड देर ऐसे यूनिट्स डोमेंशन एनालिस एंडशंस एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस टॉपिक्स कवर बाई अवर फिज़िक्स फैकल्टी इन द फिज़िक्स लेक्चर सो वहाँ पर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउ वी गोइंग टू वार्ड द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है जहाँ पे दी गई है केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूशन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सो मैटर्स हम इसे ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऑब्जर्व वर्ड केमिस्ट्री दैट इज कैम प्लस हिस्ट्री सो यहाँ पे केमिस्ट से मतलब है केमिकल्स और हिस्ट्री से मतलब है स्टडी सो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स सो केमिस्ट्री इज़ डिफाइन एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल्स एंड कैमिकल फिनोमस एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं बट यहाँ पे वर्ड जो डेफिनेशन में यूज़ किया है मैटर दैट इज़ मैटर सो कम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सो मैटर वर्ड को समझेंगे हम यहाँ पे वर्ड इज द मैटर सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर डेडिकेटेड टू द मैटर मैटर के बारे में हम सब कुछ आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वट इज़ द मैटर मैटर ही जो आगे जाके केमिकल्स में सब्सटेंस में और एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है दैट्स वाई इन सेंगे सेंक डेफिनेशन वी कॉल्ड द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिकल्स ऑफ स्टडी ऑफ द केमिकल्स सो इस लेक्चर में हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे वट इज़ द मैटर मैटर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मैटर का मतलब होता है मैटर मीन्स सिंपल मैटेरियल्स मटीरियल्स दैट मीन्स जो ये हम सराउंडिंग्स में ऑल थिंग्स देखते हैं जो भी विजिबल और नॉन विजिबल थिंग्स हैं देट ऑल मेड फ्रॉम दी मैटर्स दैट मीन्स मटीरियल से जो ये थिंग्स बनी हुई हैं दैट्स मटीरियल्स इज़ ऑल्सो कोल्ड मैटर और सिंपल लैंग्वेज में और फर्दर जो मैटर्स के दो दैट मीन्स मटीरियल्स या मैटर्स के दो बेसिक जो यूनिट्स है जिनसे मिलकर ये मैटर बना हुआ है दैट इज़ ऑटम एंड अदर वन इज़ मॉलिकूल्स ठीक है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और ऑटम्स इन सर्टन लॉस में सर्टन लॉ में जब कंबाइन करते हैं तो एक मैटर या एक सब्सटेंस जो हमारा तैयार होता है डैट मीन्स ऑल सब्सटेंस, ऑल सब्सटेंस आर मेड मेडअप फ्रॉम मैटर्स, मैटर आर मेड अप फ्रॉम सब्सटेंस एंड तेज सब्सटेंस आर मेड अप फ्राम ऑटम्स प्लस मॉलिकूल्स और इनकी जब कम्बिनेशन होती है किसी सर्टन लॉज में एंड दैट लॉज़ आर कॉल्ड लॉ ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस सो होप दैट्स क्लियर हम लेटर अभी इसी सेक्शन में बाद में मैटर को और अच्छे से डिस्कस करेंगे फिलहाल यहाँ पे इतना ही काफ़ी है और आगे हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री हम यहाँ पे केमिस्ट्री की जो है इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में उसको डिस्कस करेंगे सो हमारी जो रोज़मर्रा जिंदगी में केमिस्ट्री के बहुत से यूज़ हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट सप्लाई ऑफ फूड्स दैट मीन्स विथ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द नीड फॉर द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज मैनी दैट मीन्स हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है और जो फूड की डिमांड है वो भी नहीं, नहीं पैदावार बहुत ही कम होती थी लेकिन आज के मुकाबले हम देखें तो हमारी जो पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है और जो सीड्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के आ रहे हैं ये सब किसकी बदौलत हो रहा है बिल्कुल जो दैट इज़ द रीज़न बिहड दिस केमिस्ट्री सो केमिकल्स की हेल्प से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है सो so, नेक्स्ट जो बात करें हम सप्लाई ऑफ फूड में ही एक जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम अपने जो पैकिंग में जो खाना आता है उसे प्रिजर्व करने के लिए भी हम अपने जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं दैट इज़ द ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन की तरफ बढ़े तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि हेल्प टू हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया बाय यूजिंग दिस रटन इफेक्टिव इंसेक्ट एंड फंगीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सो दिस इज़ आल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिक्स सो so, कि जो हमारे खेतों में जो बैक्टीरियाज होते हैं फंगीसाइड्स होते हैं ये हम जो केमिकल्स का जो छिड़काव करते हैं हमारी क्रॉप्स पर गेहूं की फसल पर भी करते हैं और बहुत सारी क्रॉप्स पर करते हैं वो एक केमिकल्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से और हार्मफुल इंसेक्ट से सो दिस इज़ केमिकल्स और केमिकल फर्टिलाइज इट इज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर एज यूरिया कैल्शियम सुपर सुपरफॉस्टफेड सोडियम नाइट्रेट जो हमारी जो सोल होती है उसे फर्टिलाइज़ करने के लिए ये बहुत सारे केमिकल्स जो प्रमोट करती हैं गवर्नमेंट सो दिस इज़ आल्सो वी यूज़ इन दी प्रोडक्शन ऑफ फूड सो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिवस हैज़ हेल्प टू प्रिजर्व फूड्स प्रोडक्ट्स लाइक जैम बटर एंड स्क्रेसिस सो मैनी यूज ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा uh, रिगार्डिंग टू अवर हेल्थ दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन सो आज ऐसे कोरोना का जो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक बहुत ही गंभीर रूप से फैला हुआ है इसमें जो हमारे जो यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का एज ए सैनिटाइजर्स दैट्स ऑल केमिस्ट्री सो यहाँ से आपको पता चलता है केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंस है एंड इसका हमारी जो रूटीन में काफ़ी स्कोप है केमिस्ट्री का सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इमार्टेंस ऑफ द केमस्ट्रीज सेविंग इन्वायरमेंट्स दैट मीन्स पहले जो हमारे जो जो रेफ्रिजरेटर जो यूज़ करते थे हम उसमें जो सी एफ सी नाम की बहुत ही एक हानिकार गैस यूज़ की जाती थी दैट इज़ कॉल्ड सी एफ सी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है सी एफ सी की दैट इज़ कॉल्ड क्लोरो फ्लोरोबंस विच इज़ डिस्ट्रॉय द एजोन लेयर ओके दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट बट ड्यू टू केमिस्ट्री वी रिप्लेस्ड वी रिप्लेस्ड दिस हार्मफुल गैस बाय अदर कैमिकल इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल के द्वारा हमने इस गैस को जो है रिप्लेस कर दिया था और दैट्स वाई केमिस्ट्री जो है हमें हेल्प करती है इन्वायरमेंट को सेव करने में दैट मीन्स सेविंग द इन्वायरमेंट्स सो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा इंक्रीज इंक्रीज इन कम्फोर्ट एंड प्लेजर एंड लग्जरीज दैट मीन्स जो बहुत सारे सिंथेटिक मटीरियल्स कॉस्मेटिक्स जो हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं बहुत सारा जो हमारा फाइबर क्लॉथ्स आ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के और बहुत सारे जो हमारे पास आज आजकल फैसेल्टीज हैं गाड़ीस हैं लग्जरीज हैं ये सब इसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की इन्वॉलमेंट होती है सो नेक्स्ट जो पॉइंट बिल्डिंग मटेरियल्स दैट मींस जो हम बिल्डिंग्स बनाते समय स्टील्स और सीमेंट का यूज़ करते हैं दैट्स ऑल हेल्पड बाय कंस्ट्रक्टेड टू दैट इज बाय केमिस्ट्री सो नेक्स्ट जो हम सप्लाई ऑफ द मेटल्स नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा सप्लाई ऑफ द मेटल्स सप्लाई ऑफ द मेटल्स मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन एलमिनियम जिंक आर द लार्ज नंबर ऑफ द इलाइज यूज्ड टू मेकिंग द ऑर्नामेंट्स व्हिच कैन वी यूज इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट्स सो बहुत सारे मेटल्स जो है स्टील्स के जो बर्तन हम घर में यूज करते हैं दैट्स ऑल जो गोल्ड्स और सिल्वर हैं ये लेडीज़ अपने एज ए फैशन ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं दैट्स ऑल केमिस्ट्री सो बहुत सारे जो केमिस्ट्री के यूज़र्स हैं हमारी डेली लाइफ में सो so, मेन जो है एक बहुत बड़ा इसका यूज़ दैट इज़ एनर्जी प्रोड्यूस करने में वी नो दैट जो हमारे यहाँ पेट्रोल्स एंड डीजल्स के जो सोर्सेस है बहुत ही लिमिटेड है सो so, जो एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिकल्स बहुत सारे नहीं बल्कि कुछ की पर्टिकुलर केमिकल्स हैं एलिमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं उनमें से मेनली जो यूरेनियम टू थर्टी फाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी सो दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इज़ी लैंग्वेज में दे रखे हैं आप यहाँ से बुक की हेल्प से भी स्टडी कर लेना दैट्स और साथ साथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे ईजी लैंग्वेज में सो so, हम जो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वो है हमारा वाट इज़ द मैटर मैटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे दिस सेक्शन अवर डिस्कस्ड इन दी फिज़िक्स लेक्चर दैट इज़ मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री दैट इज फिज़िकल क्वानिटी फिज़िकल क्वान्टीज जो हमारी होती हैं मास लेंथ एंड टाइम दिस इज़ थ्री मेन फिज़िकल क्वान्टीज एंड जो मेज़रमेंट्स के टूल हैं वो डिस्कस करेंगे हम फिजिक्स के लेक्चर में सो so, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ व्हाट इज़ दी सो यहाँ पे हम थर्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सो यहाँ पे हम मैटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मैटर सो एवरी थिंक दैट इज़ अराउंड अस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ एनी आवर फाइव सेंसेस दैट मीन्स जो हम अपने सराउंडिंग्स में ऑल थिंग्स अपनी फाइव थिंग्स से सेंस कर सकते हैं दैट मीन्स स्मेल कर सकते हैं टच कर सकते हैं देख सकते हैं सुन सकते हैं दैट मीन हियर कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं थेस ऑल थिंग्स ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर ये जो सभी हम सराउंडिंग्स में थिंग्स देखते हैं चाहे विजिबल है चाहे नॉन विजिबल है चाहे खाने के लिए है पीने के लिए है यूज़ करने के लिए है सुनने के लिए है जो भी थिंग्स हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं वह सारी थिंग्स जो है आर मेड अप फ्रॉम दी मैटर्स ओके जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड मैटेरियल्स सो नेक्स्ट जो हम मैटर्स की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैटर इज़ डिफाइंड एज एनी थिंग दैट ऑकुपाई स्पेस बॉस इज मंड प्रजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ फाइव सेंसेज हमारी जो फाइव सेंसेज हैं उनमें से किसी एक के द्वारा इसे सेंस किया जा सकता है इसकी प्रेजेंस को और ये जो है मास ऑक्युपाई करती है जो मैटर है एंड स्पेस ऑक्यूपाई करती है मैटर दिस इज़ दिम्पल डेफिनेशन ऑफ मैटर ओके एक नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है वट इज़ द मैटर सो एग्जाम्पल देखे तो मैटर लाइक like अभी हमने डिस्कस की क्लॉस आयन गोल्ड प्लास्टिक जो भी हम देख सकते हैं सुन सकते हैं सभी थिंग्स आर दी मैटर्स सो मैटर्स जो है इसका क्लासीफिकेशन मेनली टू पार्ट्स में किया गया है दैट इज़ वन पार्ट फिज़िकल क्लासीफेसन एंड अदर पार्ट इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन सो फिज़िकल क्लासीफेसन में जो हम फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हमारी सराउंडिंग्स में जो फिज़िकल क्लासीफिकेशन में जो मैटर है वो तीन टाइप्स का ऑब्ज़र्व किया जाता है जहाँ तो हमारी सराउंडिंग में थिंग्स सॉलिड में अवेलेबल है या लिक्विड्स में और अदर थिंग्स और गैसेज में सो so, फिज़िकली जो है मटेरियल्स ऑब्जर्व करते हैं हम इन थ्री फॉर्म्स में ओके सो थेज द थेस थ्री फॉर्म्स आर द फिज़िकल क्लासिफिकेशन अगर हम इसे डिटेल्स में डिस्कस करें व्हाट इज द सॉलिड सॉलिड्स बेसिकली सॉलिड्स में जो होता है जिन सब्सटेंस से या एलिमेंट्स से मिलकर जो सॉलिड पार्टिकल बना होता है जैसे कि ये एक सॉलिड है इसमें जो ये जो पार्टिकल है जिनसे ये मिलकर बना हुआ है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं दैट मीन्स इनमें से थोड़ी बहुत इन जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं इनमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो पॉसिबल है मगर ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते दैट्स वाई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो हमें है सॉलिड पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है सो so, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और बट उनकी जो स्ट्रक्चर होती है फिक्स होती है और हाउ एवर इन केस ऑफ दी लिक्विड लिक्विड में क्या क्या होता है लिक्विड जो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है कंसिडर पार्टिकल से वो एज़ कंपेरिजन टू दी सॉलिड थोड़े थोड़े दूरी में कंबाइन होते हैं उनमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना फोर्सली अट्रैक्टिव नहीं होता दे कैन आर पार्टिकल्स कॉन्सिट्यूट पार्टिकल्स आर मूविंग ये इधर उधर जिग जैग मूविंग कर सकते हैं देट इज़ ऐसे ऐसे ये मूव करते रहते हैं दैट्स वाई इट्स शेप आर कैन नॉट बी फिक्स सॉलिड में जो उसकी शेप जो है फिक्स होती है लिक्विड में जो इसकी शेप जो होती है फिक्स नहीं होती जैसे कि हम वाटर को अगर किसी भी बेजल में अगर उसे किसी ग्लास में डालें तो वो इसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा अगर उसे किसी बकेट में डालें बड़ी सी बकेट में तो वह इसका स्पेस ऑकुपाई कर लेगा इसमें सो तो अगर उसे फर्श पे लटा दें तो वह वै वैसे लट जाएगा दैट इज़ लिक्विड सो फैल जाएगा पूरा सो लिक्विड के जो मेनली स्ट्रक्चर होती है कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है उनमें से जो वीक फोर्स होता है इनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे फिलहाल यहाँ पे हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं बेसिक्स में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे हम इनको डिटेल्स में लेके चलेंगे इनको डीपली स्टडी करेंगे इनमें कौन सा फोर्स होता है किस फोर्स की वजह से ये आपस में जो इनके एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन करते हैं कैसे इनकी कौन से लॉ की वजह से कॉम्बीशंस होती है सो आगे बढ़ेंगे हम गैस की तरफ वट इज़ द गैस गैस में जो इसके कॉन्स्ट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं दैट इज़ इनमें से जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनमें आपस में ये बहुत वीक होती है ये वाला पार्टिकल कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है दैट्स वाई गैस हैव नो फिक्स शेप और हैव नो फिक्स एनी वॉल्यूम एंड गैस को हम किसी भी वेजल में छोड़ेंगे ये उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी बिकॉज अगर इतने बड़े वेजल में छोड़ेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव्स करेंगे इन वॉल्स के साथ टकरा के वापस आ जाएंगे ऐसे ऐसे करके ये पूरे स्पेस को अगर थोड़े स्पेस में रखेंगे तो भी ये इसमें रह जाएंगे दैट इज़ गैस सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक uh, है केमिकल क्लासिफिकेशन, सो दिस इज द ऑल ओवर फिजिकल क्लासिफिकेशन बस इतना ही है अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है हम मैटर को केमिकली क्लासिफाइड कैसे करते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ होमोजेनियस एंड हाइड्रोजोनीस सो दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन दैट्स ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू दी टू सेक्शन होमोजिनस एंड हाइड्रोजिनियस वर्ट इज होमोजिनियस एंड वर्ट इज हाइड्रोजिनियस सो बेसिकली जो ये टर्म्स है होमोजिनस एंड हाइड्रोजिनस ये टर्म्स हम बेसिकली लिक्विड फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं या फिर हम इसको डिटेल में एक्सप्लन करें तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूट होमोजिनस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमोजिनस में क्या होता है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वन फेज़ में होते हैं वन फेज दैट मीन्स उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं बिल्कुल एक जैसे और एक ही फेज के मतलब एक जैसे और एक बिल्कुल वे में आपस में अरेंज हुए अरेंज हुए होते हैं जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बताएं तो वाटर एक ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर में और सेम फेज़ में पड़े होते हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं इन ए होमोजोनियस मैटर ओके दैट इज एग्जाम्पल इज द वाटर और अगर मैं किसी सिंगल एलिमेंट्स की बात करूँ जैसे कि आयरन एफ ई आयरन और सोडियम uh, की बात करूँ ठीक है थेस एलिमेंट्स एंड और कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जो सेम फेज में होते हैं और उनका फेस जो सेम होता है उनकी स्ट्रक्चर जो रेगुलर नहीं होती रेगुलर होती है रेगुलर स्ट्रक्चर होती है जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया आपको वैसे जो मैटर्स होता है मैट्रस के जिस मैटर के कंस्टिट्यूट वैसे होते हैं उसे हम होमोजोनियस मैटेरियल्स कहते हैं सो so, नेक्स्ट जो हमारा होता है हाइड्रोजीनियस मटेरियल्स हाइट्रोजीनियस मटेरियल्स में क्या होता है इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स होते हैं दैट मीन्स जिन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स से ये मिलकर बने होते हैं उनका जो फ़ेज़ होता है सेम नहीं होता जैसे कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कुछ ऐसे होंगे कुछ ऐसे होंगे दिस इज़ ओनली एज ए एग्ज़ाम्पल मतलब इसके जो बहुत सारे फ़ेज़ होते हैं इर शेप्स होती हैं दैट इज़ हाइड्रोजीनियस सो so, आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते हैं इस मेट ऐसे मटेरियल्स को हम हाइड्रोजीनियस मटेरियल्स कहेंगे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम एक टेबल की मदद से डिस्कस करेंगे और सो so, यहाँ पे टेबल है इस टेबल की हेल्प से हम इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सो so, यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज़ द मैटर सो मैटर जो हमारा डिवाइडेड है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मेनली इसमें फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। सो वैसे ही हमने केमिकल क्लासिफिकेशन को देखा केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन में होमोजेनस और हाइड्रोजीनियस को देखा होमोजेनस और हाइड्रोजीनियस सो अगर इसे और डीपली डिस्कस किया जाए तो इसे हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर या मिक्सचर तो में डिस्कस करते हैं और मिक्सचर्स जो होते हैं मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर भी होता है और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है होमोजेनस मिक्सचर में वैसा मिक्सचर जिसमें बिल्कुल स्मूदली जो है सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाए उसे हम होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे और वहीं पर हाइड्रोजीनियस मिक्सचर जैसे कि हमने पानी में अगर सेंड दैट मीनस रेत को फेंक दें तो वो स्मूदली जो है सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें उसमें वो सेंड जो है बिल्कुल डिजोल्व नहीं होगी इसलिए वो जो मिक्सचर होगा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होगा वैसे ही अगर हम वाटर में शुगर को डालें तो वो जो मिक्सचर हमें मिलेगा बिल्कुल स्मूदली होगा उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे बोलेंगे जो होमोजेनस मिक्सचर में जैसे कि शुगर हम कहीं पे भी डालें उसका जो वो मिठास होगी पूरे सोल्यूशन में मिलेगी दैट इज़ होमोजेनस मिक्सचर और जैसे कि प्योर सब्सटेंस की बात करें प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर एलिमेंट्स जो होंगे दैट इज सिंगल फेज के होंगे प्योर एलिमेंट्स उसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे उसके वो सेम ही होंगे दैट्स वाई इट्स प्योर सब्सटांस एंड प्योर सब्सटांस इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजोनियस ठीक है प्योर सब्सटांस होमोजोनियस होता है ठीक है और होमोजोनियस एंड कंपाउंड्स भी जो होते हैं ऑल आर होमोजोनियस होते हैं कंपाउंड्स जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा जैसे कि हम बात करें एच टू ओ एच टू ओ की दैट मीन्स वाटर वाटर जो है हमारा एक कंपाउंड है बट इसको इसका जो मिक्सचर है ये होमोजोनियस है है ये कंपाउंड बट होमोजोनियस है और कंपाउंड्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन कंपाउंड्स को हम डिटेल्स में आगे एक पूरा चैप्टर ही होगा उसमें डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक एक्चुअली पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर जिसमें हमने मेटल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया वट इज़ साइंस एंड वट इज़ केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी आगे बात बढ़ाएंगे देखेंगे एलिमेंट्स क्या होता है कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको आगे डिस्कस करेंगे सो होप यू आर एंजॉय द लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़